भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में लोग जहां अपने बारे में सोचते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आरिफ फाउंडेशन खिदमत खल का कोई भी मौका नहीं छोड़ता। आरिफ फाउंडेशन ऐसा तंजीम अदारा है जो ज़मीनी स्तर पर लोगों के बीच लोगों को राहत कार्य का काम करता है। आरिफ फाउंडेशन की जानिब से ब्लड डोनेशन मेगा हेल्थ चेकअप कैंप, आई चेकअप कैंप प्रोग्राम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कसी तादाद में लोगों की भीड़ भी देखी गई। लोगों ने फ्री हेल्थ चेकअप कैंप के साथ साथ मुफ्त दवाएँ भी हासिल की। 100 से ज़्यादा अधिक लोगों ने कसी तादाद में रक्तदान भी किया। आरिफ के सारे मेंबरान की ये सोच है कि समाज में रहकर एक दूसरे की मदद करने को ही खिदमत खल्क कहते हैं। खून का कोई मजहब और धर्म नहीं होता, खून का रंग लाल ही होता है, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले इंसान की ज़रूरत में लगे। इस ब्लड डोनेशन कैंप के जरिए उन्होंने फिरकों में ना बंटने का पैगाम भी दिया है। मुख्य रूप से यहाँ पर MLA सोना कमल शाह, वार्ड नंबर 54 के काउंसिलर अमीरुद्दीन बॉबी और ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले सारे सामाजिक कार्यकर्ता भी नजर आए। HV न्यूज से बात करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं आगे की पूरी खबर। आरिफ फाउंडेशन, मैं शब्बीर और रुखसाना बेगम, देखिए ब्लड डोनेशन हेल्थ चेकअप कैंप, इसी तरीके से बहुत सारे सोशल काम जो है, मैं उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। इस चीज़ को कायम रखे और अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज वे से जो बुनियादी काम है उस पर ज़्यादा ध्यान दें। ये काम तो है अदारा इलाका ही तरीके से ये भी होना चाहिए, मगर बुनियादी काम मैं आरिफ फाउंडेशन के जानिब से जो शब्बीर हैं, मैं उनसे पहले भी मिला था तो मैंने यही बात रखा था, कोई ऐसा काम छोड़ के जाइए जो लोगों को हमेशा उससे मदद मिलते रहे। तो ये काम मैं आरिफ फाउंडेशन के जो सबीर हैं और उनके जनरल सेक्रेटरी रुखसाना है, मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि ये काम बहुत अच्छा है, आप लोग इस तरह से काम कीजिए, हमारा जहां जरूरत पड़ेगा हम वहां मौजूद। भाई आरिफ फाउंडेशन के जन्य धन्यवाद जनाबो, ये प्रोग्राम और सक्सेसफुल हो आगे चलते, इसके लिए हमारा तरफ से कोई सहयोग का जरूरत हो हम देने के लिए तैयार है। अभी विभिन्न जगह छठ पूजे प्रोग्राम पूरे एखे एत लेट हलो आसते ना और आगे आसतम छठ पुजो तो बेपार्ट आखने इलाका जरा उपवास आई अनुष्ठान हाजिर होने इस भलो तक साथ दीची एत भलो सोशल वार्क एखे आज से साथ दिल हम चाहते हैं कि ये लोग सक्सेस रहे आगे चलते। ये सोशल प्रोग्राम ये लोग करते हैं, इसके साथ कोई भी कभी भी हमारा जरूरत पड़े महसूस करें तो हम आए हाजिर इंशाल्लाह। हम लोग का प्लानिंग तो एक्चुअली 2 अक्टूबर का प्लानिंग था, वो फिर हम लोग पोस्टपोन कर दिए क्योंकि कुछ गेस्ट हमारे मौजूद नहीं थे। इसके लिए हम लोग 30 अक्टूबर को प्रोग्राम किए और इसको सक्सेस करने में फूल बगान अथली क्लब का बहुत बड़ा हाथ है, जिसमें अफसर आलम, राजा भाई, महमूद, संजय, विक्की, इमरान, बहुत लोग ऐसे मौजूद थे जिनका मैं नाम सही से नहीं जानता, लेकिन ये लोग ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया अपने इलाके पर प्रोग्राम करने का, और इनका बहुत सारा सपोर्ट और प्यार हम लोग के आरिफ के साथ में। और आरिफ फाउंडेशन के 54 नंबर वार्ड के प्रेसिडेंट हुए अफसर आलम, वाइस प्रेसिडेंट हुए तारिक भाई, जनरल सेक्रेटरी हुए हैं विकी और इमरान, और बाकी का जैसा देख सकते हैं कि सभी ये भी मेरे आरिफ फाउंडेशन के मेंबर हैं, ये सनी भाई है, मुमताज भाई है, ये सब हमारे आरिफ फाउंडेशन के मेंबर भी है और इनका सहयोग काफ़ी रहा अल्हम्दुलिल्लाह। जो टारगेट था हम लोग 100 पार का, तो माशाल्लाह काफ़ी 120 पार अभी तक का हो चुका है, अभी टाइम काफ़ी बाकी है, देखा जाएगा आगे इंशाल्लाह कितना हम लोग ये कर सकते। तो सबसे तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहता हूँ जो अपना कीमती ब्लड ताउन किए हैं, क्योंकि मैं इससे पहले 14 अगस्त को जो प्रोग्राम करवाया था तो मेरे पास में जितनी भी कार्ड थी मैं खुद जाकर वो ज़रूरतमंद लोग हैं जिन तक मैं पहुँचाया, मैं और रुखसाना जो ब्लड मेरे पास में था वो मैं उन तक पहुँचाया जिनको ज़रूरत था। तो मैं सभी से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप अपने इलाके में, आप अपने मोहल्ले में अगर कभी भी हम लोगों का सपोर्ट हो, आरिफ फाउंडेशन का हो, रिजवान भाई का हो, रुखसाना हो, यास्मीन सुल्ताना, निखात बाजी, या हमारे फूल बगान अथली क्लब के कोई भी मेम्बरान हो, किसी से भी कॉन्टेक्ट कीजिए, इंशाल्लाह आपके इलाके में आके ऐसे प्रोग्राम इंशाल्लाह वहाँ भी करेंगे। और सबसे गुजारिश से सबसे दिल से शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि अपना कीमती ब्लड वो ताऊ
डाउन किया ताकि दूसरे की जिंदगी बच सके। 54 वार्ड में ये जो ब्लड डोनेशन कैंप हाई चेकअप हेल्थ चेकअप हुआ है, तो ये इस प्रोग्राम को मतलब 54 नंबर वार्ड के हमारे अफसर भाई, तारिक भाई, इमरान भाई, इम्तियाज भाई, कामरान भाई, सब ने मिलके बहुत इसमें मेहनत किया है। और मतलब आज इसका क्रेडिट जो है हमारे फाउंडर शब्बीर अहमद खान और पूरे टीम 54 नंबर के जो टीम हमारे अफसर भाई के उनको जाता है। ये एक्चुअली यहाँ पे देखिए हमारा जो हेल्थ चेकअप हो रहा है, इसमें आपका शुगर टेस्ट भी, ECG ये हो रहा है, हार्ट के रिलेटेड भी चेकअप हो रहा है, और दूसरी बात है मेडिसिन भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, आँखों का जो चेकअप हो रहा है, आई चेकअप प्लस ऑप्टिकल्स दिया जाएगा, मतलब जिनको ज़रूरत है, ऑपरेशन भी फ्री है। और इसी तरीके से हम लोग सारा काम कर रहे हैं, उनका प्रिपरेशन जो है वो एक लगातार एक महीने से चल रहा है, और जिसमें 54 नंबर वार्ड के हमारे अफसर भाई, इम्तियाज़ भाई और तारिक भाई, कामरान भाई, हमारे फाउंडर शब्बीर अहमद खान, सारे ने काफ़ी मेहनत किया है। और आप देख ही रहे हैं इस मेहनत, अगर अल्लाह ने चाहा हमारा ब्लड डोनेशन कैंप अगर सक्सेसफुल रह गया तो ये मेहनत रंग ले आएगी। जी जी जी, आज बहुत खुशी फील हो रही है क्योंकि यहाँ पे जो जैसा दिख रहा है माशाल्लाह प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा है। आरिफ फाउंडेशन हमेशा ब्लड डोनेशन और हेल्थ चेकअप कैंप पे काम कर रहा है। माशाल्लाह मैं जिस टाइम ये लोग का फाउंडर फाउंडेशन डे था, मैं उस दिन भी आया था, और हमेशा पूनम और रेहान भाई का साथ शाना बशाना करता हूँ, और मैं दुआ करूँगा कि इंशाल्लाह आगे भी ऐसे काम करते रहे। सिर्फ रेहाना और रेहान भाई और पूनम का सिर्फ ये मेहनत नहीं है, ये मेहनत बहुत लोगों के हैं, इसलिए जितना बड़ा एक मंच बनता है, इतने लोगों को हेल्थ पे काम किया जाता है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने हमें भी बुलाया। और आप हावड़ा को दूर समझते हैं, हावड़ा यहाँ से सिर्फ 14 किलोमीटर है, उससे भी कम है, और हावड़ा में अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा काम होते रहती है। आप कभी आए एजुन इसकी टीम हमेशा आती रहती है, तो आप इंशाल्लाह कवरेज वहाँ करें अगर, तो आपको पता चलेगी हावड़ा में भी ऐसे काम होते रहते हैं। ऐसा है कि ये आरिफ फाउंडेशन जो ये आज पहला मरता नहीं किया, इससे पहले भी हम लोग 14 अगस्त को भी राजा बाजार में एक ब्लड डोनेशन कैंप किए हुए थे, माशाल्लाह उसमें भी उन लोग का बहुत सक्सेस हुआ था। आज भी जो किए हैं लोग, और भी इसमें और भी सक्सेस हुआ इंशाल्लाह, और आगे में और इन लोग और आगे रहेगा, और सबका दुआ है कि इंशाल्लाह और आगे बढ़ेगा इन लोग। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जिस लेवल में सोचा था उस लेवल में अल्लाह ने हम लोगों को कामयाब किया। हम लोगों ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे जो है आरिफ फाउंडेशन की मदद से और फुल बगान एथलेटिक क्लब की जो है साना बसाना खड़े होकर यहाँ पे हम लोगों ने ब्लड डोनेशन करवाया, और हम लोगों ने पहली बार में टारगेट लिया कि हम लोग जो है 100 जो है यूनिट हम लोग ब्लड डोनेट करवाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये 100 से भी ऊपर गए, जो ओवर अचीव्ड है। बहुत खुशी हुई मुझे इससे, और आइंदा दिनों में भी हम लोग इंशाल्लाह ताला आरिफ फाउंडेशन के साथ मिलकर जहाँ पर उन लोगों को हम लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, हम लोग अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पे खड़ा रहेंगे। और आप लोग जो है देखेंगे आइंदा हम लोग इंसानियत के लिए जो मुनासिब कदमों मतलब कदमे हैं वो हम लोग ज़रूर उठाएंगे। ये जानिए ये प्रोग्राम क्यों किया गया है, पेशेंट तो हर जगह मिलेंगे आपको, ये प्रोग्राम किया गया आरिफ फाउंडेशन, जो आरिफ एक बच्चा था, जो हमारा छोटा सा बच्चा 2 साल का, जो कैंसर के कारण डेथ कर गया कोविड के फर्स्ट इसमें, तो उसका 93% ब्लड ख़राब हो गया था, और उस वक्त हम लोग बहुत परेशान हुए थे ब्लड को लेकर और बच्चे के एडमिशन को लेकर के। तो देखा यह गया आप पैसे से मेडिसिन ले सकते, सारा कुछ खरीद सकते हैं, ब्लड अचीव नहीं कर सकते आप पैसे से। इसी को देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि हमारा जितना भी प्रोग्राम होगा आरिफ फाउंडेशन की तरफ से, उसमें ब्लड डोनेशन कैंप सबसे अव्वल रहेगा, एक नंबर पर। और जितने भी कैंप हम लोग का होता है हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह 400 प्लस पेशेंट होते हैं, अभी भी सारे पेशेंट जनरल पेशेंट मैक्सिमम थे। आप ये चीज़ देख रहे होंगे कि आज हम लोगों का जो लाइफ स्टाइल है, या फूड लाइफ स्टाइल बोलिए, लिविंग लाइफ स्टाइल बोलिए, कोई अच्छा नहीं है, जिसके कारण हमारे बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो बच्चे का पोटेशियम ले लीजिए, कैल्शियम ले लीजिए, मल्टीविटामिन मिनरल्स ले लीजिए, बॉडी का ग्रोथ ले लीजिए, सारा वीक है, और मैक्सिमम पेशेंट उसी के थे हमारे पास। ऑर्थोपेडिक पेशेंट बहुत ज़्यादा मिले हम लोगों को 2-4 कैंप में, अभी जो मैंने रिसेंट किया। तो आगे ये प्लान है कि एक ऑर्थोपेडिक टीम भी बनाया जाएगा फ्यूचर में, और फिजियोथेरेपिस्ट भी उसमें रखा जाएगा। अभी का प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र बहुत सक्सेस हुआ, बहुत अच्छा हुआ। बाकी आप लोग बेहतर जानते हैं, आप लोग कवर कर रहे थे मीडिया पार्टनर कितने पेशेंट कहाँ हो रहे थे। हमने जो देखा हमारे पास मोर एंड लेस 400 अप्रॉक्स पेशेंट हुए हैं, सही काउंटिंग देना मुश्किल है, लेकिन 400 अप्रॉक्स पेशेंट हुए हैं। और ये 400 अप्रॉक्स पेशेंट सिर्फ हमारे वजह से नहीं हुए हैं, सारी टीम का कोलैबोरेशन है, हर एक टीम जो आज एक महीने से काम कर रही थी इस पर,
सारे का कॉलेब्रेशन है, सारे लोग मदद किए तब जाके 400 प्लस पेशेंट हुआ, और अभी भी पेशेंट मेडिसिन लेके जा रहे हैं। जो 2 बजे का प्लानिंग था वो ख़त्म हो चुका, अभी तक कंटिन्यू चल रहा है पेशेंट। और हमारे टीम में डॉक्टर ताजुद्दीन हैं, मिस्टर रफ़ीक हैं, इम्तियाज़ अहमद साहब है, सारे लोग हैं, मेंबर की तरह काम कर रहे हैं। किसी इंडिविजुअल का आरी फाउंडेशन नहीं, सब का है और सब इक्वल होता रखते हैं। मैं ये ब्लड डोनेशन कैंप ज़रूरत है, और ये बहुत अच्छी बात है कि आरी फाउंडेशन ने ये कदम उठाया, और उनके साथ में जो यहाँ पे फुल बगान एथलेटिक क्लब और बाकी दीगर और भी लोगों ने मिलकर मुश्तरका तौर पर आज ब्लड डोनेशन कैंप किया, हेल्थ चेकअप कैंप, आई चेकअप कैंप, और इतना अच्छा रिस्पांस मिला है। माशाल्लाह 100 से ज़्यादा लोगों ने अपना कीमती खून अतिया किया है, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। इस प्रोग्राम को कामयाब करने में आज महीना रोज़ से ज़्यादा कई मीटिंगें हुई, यहाँ पर बबलू भाई और उनके पूरे टीम तमाम लोगों ने बहुत ही ईमानदारी के साथ बहुत ही जद्दोजहद किया, और हमारे उनकी सरपरस्ती हासिल थी तो ये मंजिल मकसूद तक पहुँचने का मौका हाथ लगा। और हम यही चाहेंगे कि ये जो प्रोग्राम जो चल रहा है ये आज इसका आखिरी पड़ाव ये नहीं है, ये तो जस्ट एक आगाज़ है। 14 अगस्त को इन्होंने पहला ब्लड डोनेशन कैंप किया था आरिफ फाउंडेशन ने मोमिन हाई स्कूल में, और ये दूसरा हुआ, और उम्मीद करते हैं कि तीसरा चौथा पाँचवा भी इसी तरह तसलसल जारी रहेगा, इसको रुकना नहीं है, क्योंकि ये काम जो है खालिस जो है इंसानियत के लिए है, बिला तफरीक मजहब व मिल्लत, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहीं भी इन बातों को हम लोग देखते ही नहीं हैं, बस जिसकी ज़रूरत है, और आप अल्लाह ने आपको उनकी ज़रूरत बना दिया है। तमाम लोगों को चाहिए कि आप तमाम लोगों ज़रूरत बन जाएं लोगों की, आपको लोग तलाश करें, ढूंढें, अपने काम निकालें, और आप अगर अल्लाह ने आपको अफजल अशरफुल मखलूकात बनाया है तो उसका सबूत भी पेश कीजिए कि वाकई में आप अशरफुल मखलूकात हैं, आपकी ज़ात से अवाम फ़ायदा हासिल कर रही है। क्योंकि हमेशा एक शौक़ दर शौक़ मेरा चलता रहा है कि मैं किसी न किसी एक अदारे से मैं शामिल हूँ और उसमें अपना कीमती वक्त दूँ। तो रुखसाना जी और शब्बीर भाई ने जो है मुझको ये मौका दिया और मैं इसमें शामिल हुआ, ये सबसे बड़ी मेरे लिए जो है एक ज़िम्मेदारी मेरे लिए आ गई थी कि मुझको काम करना है, मुझको इसमें रहना है, किसी भी सूरत हाल में जो है ये काम को मुकम्मल करना है। और जो ये आई चेकअप कैम्प जो हुआ बहुत ही जद्दोजहद के साथ हुआ है, पूरा पूरी मानी कि एक महीना से ज़ायद 30 दिनों से ज़ायद जो है ये काम जो है मुसलसल चलता रहा, मीटिंग होता रहा, सारा काम चलता रहा, तो मेरे लिए ये बहुत ही फ़ख्र की बात है कि मैं इसमें शामिल हूँ।